हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रमल उत्तरा क्लासेस। सो आईएफएस का एग्जामिनेशन एक बार फिर से पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक आईएफएससी की वेबसाइट पर नहीं आई है, बट जिस लिंक पे जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं वहां पर एक नई इन्फॉर्मेशन है जहां पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से ओपन करा जा रहा है 6 जून को, जो कि ओपन रहेगा 14 जून तक। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने की 29 जून। तो किसी भी हालत में आपका एग्जामिनेशन मिड ऑफ जुलाई से पहले नहीं हो सकता। आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। आप दोनों फेज के लिए, चाहे वो प्री का एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़े सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो आईएफएससी के एग्जामिनेशन को नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन था यूपीएससी का और आईएफएससी का कहीं ना कहीं वो क्लैश होता हुआ लग रहा था, जो कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आईएफएससी का एग्जामिनेशन तो डिले हो गया, तो आप भी आईएफएससी के एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेबी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको भी सेबी एंड आईएफएससी दोनों के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा टाइम है इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने का। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंड करा गया, एप्लीकेशन भरने के टाइम को एक्सटेंड करा गया, ये पहले भी हो चुका है। और जब पहले करा गया था ये एक्सटेंशन, उसके साथ साथ वैकेंसी के नंबर को भी इंक्रीज करा गया था और एक कॉरिजेंडम भी आईएफएससी की वेबसाइट पर आया था। जो इंक्रीज हुई थी वैकेंसी में, पहले 10 वैकेंसी थी जिसको बढ़ा के 15 कर दिया गया था। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये तो कल ही सबको मिल गई थी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया था। बट मैं वेट कर रहा था कि आईएफएससी कोई ना कोई कोरिजेंडम निकालेगा, बताएगा कि क्या रीजन है इस एक्सटेंशन का। तो अभी तक तो कोई कोरिजेंडम आया नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आ गया हूँ। देखो, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो किसी को भी नहीं पता होती, कोई हम इनसाइडर थोड़ा ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें सुनी सुनाई मिलती है वो हम आपके पास लेकर आ जाते हैं। सबसे पहली बात, टोटल 13,000 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज आई थी आईएफएससी ग्रेड ए के लिए, जिसमें से 4,000 बच्चों ने तो जो एप्लीकेशन की फीस है उसको ही फिल नहीं करा था। उसके बाद अगर बात करें तो अभी कुछ मीटिंग्स होनी है आईएफएससी के अंदर, कुछ बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होनी है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म की जो ओपन करने की डेट है वो उन मीटिंग्स के बाद की ही लग रही है। तो क्या पता उन मीटिंग्स के अंदर को डिसीजन लिया जाए वैकेंसी के नंबर को इंक्रीज करने का। तो वेट करते हैं कि कब तक कोरिजेंडम आता है, क्या पता वैकेंसी का नंबर बढ़ जाए और एक अच्छा खासा चांस मिल जाए सारे स्टूडेंट्स को इस एग्जामिनेशन को, और बेटर तरीके से प्रिपेयर करने का एक मोटिवेशन मिल जाएगी अगर वैकेंसी का नंबर बढ़ जाता है। ये कोई भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम सारे के सारे वेट ही कर सकते हैं, स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी अभी के टाइम पे अगर आपको आईएफएससी एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है तो मेरी वेबसाइट पर जाकर आप रेफर कर सकते हैं हमारे आईएफएससी के कोर्स को। रेगुलरली हम टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। आज के दिन भी अगर बात करें तो पेपर वन के अंदर जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है उसके ऊपर आज टेस्ट है, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग का। ऐसे आगे जाके टेस्ट आते रहेंगे ताकि आपका थोड़ा सा मन लगे रहे, आप पढ़ाई करते रहे। चलो, इस इन्फॉर्मेशन वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।